YouTube चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ फादर्स डे स्पेशल पे ब्रेड मैंगो केक, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। तो मैंने सोचा मैं इसकी रेसिपी भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूँ। और ये बहुत ही इजी और बहुत ही मजे का बनता है और बहुत ही टेस्टी भी। तो इस केक में मैंने यहाँ पे स्लाइस लिए हैं 4 अदद, ये पूरे 4 अदद स्लाइस हैं। और व्हिप क्रीम ली है यहाँ पे मैंने 1 कप बिल्कुल चिल की हुई, ये वाली क्रीम ली है मैंने, व्हिप एंड व्हिप छिलकी हुई क्रीम ली है। मैंगो की प्यूरी ली है यहाँ पे मैंने 1 अदद, बड़ा मैंगो था इसकी 1 अदद मैंने प्यूरी ली है। आम काट लिया, इसकी प्यूरी मैं भी बनाऊंगी। और ये 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने पानी लिया है और इसके अंदर चीनी डाल दी थी, साबुत चीनी, और इसका मैंने शुगर सिरम बना लिया इसे हल करके। और ये आम मैंगो लिए हैं कटे हुए, चॉप किए हुए क्यूब्स में, और ये कंडेंस मिल्क लिया है। तो सबसे पहले मैं करूँगी यहाँ पे प्यूरी को ग्लैंड करूँगी इस आम को बिटर से, और ये क्रीम को जो है मैं फ्रिज में ही रख दूँगी, ताकि ये जो है किचन थोड़ा सा गर्म है तो मैं इसे चिल होने के लिए फ्रिज में ही रख दूँगी ताकि चिल ही रहे। तो सबसे पहले मैंगो की प्यूरी बनाएंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। अगर आप कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं करना चाहते, इसमें नहीं डालना चाहते, तो आप इसके अंदर शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं, कस्टर्ड शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी। मेरे पास एक कंडेंस मिल्क है तो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क लिया है। हमारी बन गई, इसे साइड पे रख देंगे। और ये जो हमारे पास 4 अदद स्लाइस है इसके कॉर्नर्स निकाल लेंगे इस तरह से। ये चारों पीस के मैंने कॉर्नर्स निकाल लिए, ये जो कॉर्नर्स हैं इसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसको रख लेंगे, ब्रेड क्रम्स बनाने के काम आएंगे ये। स्लाइस के कॉर्नर्स हमारे कट गए चारों स्लाइस के, अब हम इसे साइड पर कर देंगे और फ्रिज में से छिल की हुई ठंडी ठंडी बिल्कुल फ्रेश क्रीम निकालेंगे और उसे बीट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा वाला बॉल लिया, ये भी मैंने छिल किया हुआ है, इसे फ्रिज में रख दिया था 1.5 घंटे के लिए, तो ये भी ठंडा है और ये क्रीम भी हमारी बहुत तेज़ ठंडी है। तो अब इस क्रीम को मैं निकाल दूंगी बाउल के अंदर, क्रीम को जो है बीट करूंगी मैं इलेक्ट्रिक बीटर से। आप इसे विक से भी कर सकते हैं लेकिन मुझे ज़रा जल्दी है इसलिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ। इससे हो तो जाएगा लेकिन थोड़ी सी देर लगेगी। क्रीम देखें हमारी कितनी अच्छी व्हिप हुई है, ये बिल्कुल अपनी जगह से ना हिल रही है। अब इसे इसमें से निकाल देंगे, साइड पे रखेंगे मशीन को। इसमें से थोड़ी सी क्रीम जो है मैं निकाल लूँगी अलग से। अभी जो मैंगो प्यूरी बनाई थी अभी से इसमें क्रीम में डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसे अच्छे तरीके से क्रीम के अंदर ही मैंगो प्यूरी को, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसे मैं 1 मिनट के लिए दोबारा से हाई तो ये हमने क्रीम और ये मैंगो बीट किए हैं इसे मैं साइड पर कर दूंगी और एक खाली ग्लास लेंगे। और ये जो हमने क्रीम बचाई थी थोड़ी सी डेकोरेट के लिए, तो एक पाइपिंग बैग ग्लास में डालूंगी मैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप सादा भी कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा करूँगी, फ्लावर्स वगैरह बनाऊंगी। इस क्रीम को जो है मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पाइपिंग बैग के अंदर। तो ये पाइपिंग बैग हमारा बिल्कुल रेडी है, इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। अब एक केक ट्रे ली है मैंने, केक स्टैंड लिया है,
इसके ऊपर हल्का सा मैं ये बैटर लगाऊंगी सेंटर में के ऊपर एक, और इसके ऊपर अब एक स्लाइस रखूंगी ऐसे, और इसे शुगर सीरम से सॉफ्ट कर लूंगी। ये सॉफ्ट हो गया है शुगर सीरम से, इसे साइड पे कर देंगे। और इसके अंदर ये जो पीस की हुई क्रीम है अब ये इसके ऊपर फैलाएंगे। इसे मैंने इस तरह से ये क्रीम और ये मैंगो का वो लगा दिया है बैटर। दूसरा पीस रखेंगे, इसे भी शुगर सीरम के साथ सॉफ्ट करेंगे। शुगर सीरम लगा लिया है, अब इसको भी इसी तरह फ्रेश क्रीम और ये मैंगो की प्यूरी से स्प्रेड कर देंगे। अब ये तीसरा स्लाइस रखा है, शुगर सीरम लगाएंगे इसी तरह से। नंबर फोर स्लाइस पे भी हम इसी तरह से लगा के शुगर सीरम ऊपर से कवर कर देंगे। ये नंबर फोर स्लाइस है, अब इसे मैं पूरा कवर कर दूंगी। तो ये मैंने पूरा जो है केक इसे कवर कर लिया है। जो है इस पाइपिंग बैग से इसके ऊपर पूरे फ्लावर बनाऊंगी। अगर आप ये फ्लावर ना बनाना चाहें पाइपिंग बैग से, तो ये चॉप किए हुए मैंगोज के जो ये पीसेस हैं आप इसके ऊपर रख के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं थोड़े से फ्लावर्स बनाऊंगी, थोड़ी सी डेकोरेशन करूंगी क्योंकि ये फादर्स डे का केक है। अगर आपकी थोड़ी सी क्रीम मेल्ट हो रही हो किचन की गर्मी की वजह से, किसी वजह से, मेरी तो फिलहाल अभी सेट है ये टेरिंग फ्रेश क्रीम इसके ऊपर। अगर आपकी ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप इसे डिफ्रीजर में रख सकते हैं 10 मिनट के लिए। इस तरह से मैं इसके ऊपर फ्लावर बना दूंगी। नीचे मैं इस तरह से लाइंस लगा दूंगी। आम है, मैंगो है, इसे मैं इसके ऊपर कहीं एडजस्ट कर दूंगी। मैंगो से इसे मैंने डेकोरेट किया है मैंगो के स्लाइस से। आप नीचे भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया है मैंगो केक। अभी फादर्स केक है, फादर्स डे पे मैंने फादर्स केक बनाया है, तो इसके ऊपर मैं लगा दूंगी ये फ्लैग, ये मैंने बनाया है। तरह से मैंने ये फ्लैग बनाया हैप्पी फादर्स डे का। यहाँ पे हमारा हैप्पी फादर्स डे का केक, आप इसे बर्थडे पे भी बना सकते हैं, आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं सरप्राइज केक। और ये झटपट आप यकीन करें बहुत ही जल्द, सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छा रेडी हो जाता है। इसे ज़्यादा ना इसमें एग है, ना इसके अंदर मैदा है, ना बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें क्रीम और बीटिंग का कमाल है और हमारे स्लाइस का कमाल है, इसमें और कुछ भी नहीं। वाकई इतना टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। मैं अक्सर इस तरह के सरप्राइजिंग केक्स बनाती रहती हूँ घर में बच्चों के लिए, या किसी भी ओकेशंस पे मैं इस तरह के छोटे मोटे केक्स बनाती रहती हूँ, और ये बहुत ही बेस्ट है। तो आप सब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का ये हैप्पी फादर्स डे का केक आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करती हूँ और आज भी करूँगी। तो आप सबको ये वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी रंगारंग वीडियो के साथ। सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकॉन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।